नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह कुछ खास मेहमान, दो खास मुद्दे लेकर के हाजिर हैं हम। नजर डालते हैं क्या कुछ खास है एजेंडे में। उत्तराखंड समेत कई मुद्दों पर संसद में जबरदस्त हंगामा, दूसरे दिन भी नहीं हुआ कोई काम। कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। और दिल्ली में हुई भारत पाक विदेश सचिवों की मुलाकात, पाकिस्तान ने फिर अलापा। कश्मीर का राज तो भारत ने उठाया, आतंकवाद का मुद्दा। पठानकोट और मुंबई हमले में जांच तेज करने की भी उठाई मांग। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, जिस तरीके से संसद में दूसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, तानाशाही नहीं चलेगी कि नारे चलते हुए दिखाई दिए। और आपको बता दें कि कई बार राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा। क्या कुछ कहा गया कांग्रेस की तरफ से, पहले जरा उनके बयान को सुना। सर, विद ऑल रिस्पेक्ट आई विल से दैट दिस कंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज रॉन्ग फॉर 267. 267 does not have any condition. 167 has the condition on sub judice, and 176 short duration discussion also does not have any condition. So this house has every right to discuss and to pass a resolution under 267. So the rule book is clear. I am quoting 3. Yes, 167 does endorse what the leader of the house said yesterday. But 176, the short duration discussion, does not, and 267 certainly does not. It's very clear. Therefore, I want a ruling from the chair. And this government cannot now hide. Let me listen to by other. Twisting the rules to cover what they have done, a murder of democracy in the state of Uttarakhand. भारत के संविधान के अनुसार ये द्विवार्षिक हम आते हैं, राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं, राज्य हमें चुनकर भेजते हैं। अगर राज्य में केंद्र की निर्वाचित सरकार संविधान की हत्या करे, संविधान की अवहेलना करे, पहले कहे 28 तारीख को हरीश रावत सरकार अपना बहुमत साबित करे और 27 तारीख को बेईमानी के साथ संविधान को तोड़ते हुए अगर वो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करती है तो हम इस सरकार की निंदा। और आज कांग्रेस को सपा और बसपा का भी साथ मिला, क्या कुछ कहा गया समाजवादी पार्टी और मायावती की तरफ से, जरा सुनिए। अब तक हमारे देश में कई राज्यों में इस धारा का इस्तेमाल किया गया है और 356 का, लेकिन जिस मकसद से इसकी व्यवस्था की गई है तो उस मकसद से इसका कम इस्तेमाल किया गया, इसका राजनीतिकरण ज्यादा कर दिया गया है। तो जो भी पार्टी सत्ता में रहती है स्वार्थ में इस्तेमाल करती है, देश और जनहित में नहीं करती है। इसलिए हमारी पार्टी ये चाहती है कि इस धारा को लेकर इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए और इसका गलत इस्तेमाल ना हो। अभी इधर विपक्ष में अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर काफी आवाजें उठ रही हैं। सरकार का कहना कि सब ड्यूटी मैटर के मारे इसको नहीं सुना जा सकता, मैं इससे सहमत नहीं। जब प्रोक्लेमेशन का यहाँ पर रेजोल्यूशन आएगा तब तो इस पर बहस हो सकती है, लेकिन 267 में बहस नहीं हो सकती। मैं इसको नहीं मानता हूँ। मेरा ये मानना है कि आप इस पे सदन की राय ले लें, जो प्रस्ताव हमने दिया है, क्योंकि 267 में नियम है कि आप सदन की राय ले लें। अगर सदन सहमत है तो इस पे अभी से बहस शुरू हो जाएगी। सत्ता पक्ष के दबाव में बहस नहीं हो सकती, या सत्ता पक्ष नियम समाजवादी पार्टी 356 का मिस यूज के समाजवादी पार्टी हरदम विरोध में रही है। बीजेपी और सरकार की तरफ से भी जवाब दिया गया, क्या कुछ कहा गया बीजेपी की तरफ से, अब जरा वो सुनिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड श्री आनंद शर्मा एंड अदर ऑनरेबल मेंबर्स had demanded a discussion under Rule 267. As far as Article 356 and its use in Uttarakhand is concerned, we on behalf of the government have also a lot to say. It's never happened in 68 years of independence that presiding officers convert majorities into minorities and vice versa. I know this is the real breakdown of the constitutional machinery. 35 out of 67 members give in writing that we have voted against a bill
and a presiding officer says the minority is the majority is a minority, and that is the breakdown of the constitutional machinery. If there is a Honorable Leader of the Opposition ने इस इशू को उठाया था. Honorable Leader of the House ने बहुत स्पष्ट तरीके से कह दिया कि उत्तराखंड के मुद्दे पर आप जब चर्चा आएगी तो आप चर्चा करिए पूरा उसका जो पॉलिटिकल एंगल है, संवैधानिक एंगल है, सारे एंगल लीजिए. लेकिन मैं आनंद शर्मा जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप कोई इसका रूल के आधार पर चर्चा चाहते हैं या आपका कोई आगे का कार्यक्रम है, आप हाउस चलने देना चाहते हैं या इस बहाने आप हाउस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं? Okay. हमारा प्रस्ताव है काम करो, आपका प्रस्ताव है काम करो. चलिए तो ये सब हंगामा आज देखने को मिला संसद के अंदर. जरा अपने मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं. हमारे साथ संजीव कुमार जी हैं नेता कांग्रेस पार्टी से, हमारे साथ अनिल गुप्ता जी मौजूद हैं नेता भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद जी हैं मौजूद वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ पुष्पेंद्र कोशेश जी हैं वरिष्ठ पत्रकार. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. सबसे पहले टिप्पणी अनिल जी आपसे लेना चाहेंगे, ये वजह क्या है, चर्चा क्यों नहीं कराना चाह रही है सरकार, क्यों नहीं इस पर चर्चा हो और कम से कम संसद चले? बहुत सारे बिल पेंडिंग हैं, आपकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जीएसटी समेत तमाम बिल पास होने चाहिए, तो कहीं तो आपको भी झुकना पड़ेगा. देखिए जहां तक चर्चा का सवाल है, चर्चा जो मुद्दे हैं उन वाकई रियल मुद्दों पे होनी चाहिए. एक समय जब इसरत का केस होता है और आपको बयान देने के लिए बोला जाता है तो आप कहते हैं कोर्ट में केस पेंडिंग है इसलिए हम उस एफिडेविट पर कुछ नहीं बोलेंगे. आज जब उत्तराखंड का मैटर कोर्ट में पेंडिंग है तो हम संविधान की व्यवस्थाओं का धत्ता बताते हुए हम संसद को जाम करना चाहते हैं, हम संसद में काम नहीं होने देना चाहते हैं, जो मुझे लगता है कि एक निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा जनतंत्र का खुला मजाक है. एक इसका हल क्या निकलेगा अगर इस तरीके से चलेगा तो फिर संसद ये सत्र भी फिर ऐसे ही जाएगा? देखिए इसमें सभी पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि देश की जनता ने उन्हें किस लिए निर्वाचित किया है. क्या ये हंगामेबाजी के लिए निर्वाचित किया है या वाकई ही जनता के कल्याण के लिए निर्वाचित किया है? जनता उनको विकास के लिए भेजती है, जनता उनको जीवन में क्वालिटी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट के लिए भेजती है, जनता उनको बॉर्डर की पे हम सुरक्षित रहें, हमारी एक सशक्त सरकार हो, हम विश्व में प्रतिनिधित्व करें, उन चीजों के लिए भेजती है. संजीव जी आपसे मेरा सवाल यही है कि वजह क्या है कि कहां कहां इस बात तो चलिए उत्तराखंड का मुद्दा है, कभी कोई मुद्दा लेकर संसद चलने नहीं दी जा रही. चलाने की जिम्मेवारी सरकार की होती है पहला बात. दूसरा बात, सरकार उत्तराखंड पे चर्चा से भी भाग रही है कि चर्चा भी नहीं चाहिए. ये कैसी डेमोक्रेसी है? आप डेमोक्रेसी की हत्या करना चाहते हैं? आप अरुणाचल में सरकार गिरा के अपनी सरकार बनवा रहे हैं, उत्तराखंड में वही काम आप कर रहे हैं, और जब संसद में आ रहे हैं तो आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं. और दूसरा कि आप वहां पे जब 28 तारीख को जब वहां वोटिंग कराने के लिए वहां पे सब समय दे दिए गवर्नर साहब, तो 27 तारीख को आप राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं. ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप करना क्या चाहते हैं. पूरे देश में आप डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं. बीजेपी की हमेशा से यही मंशा रहती है कि किसी तरह से कांग्रेस की जो सरकारें हैं उनको गिराना. और जहां तक रूल जो राष्ट्रपति शासन की सवाल है, ये अरुणाचल में भी यही चीज हुआ था, उस पर भी ये चर्चा नहीं करना चाह रहे थे और जबरदस्ती लाके सरकार को गिरा के और आज अपनी सरकार मुख्यमंत्री बनवाया है. सेम ये सेम चीज है. अगस्ता वेस्टलैंड पे भी चर्चा करेंगे क्या, जिसमें अब सोनिया गांधी तक का जिक्र आ गया है? आपके पास क्या प्रूफ है अगस्ता वेस्टलैंड में? जो आप कोर्ट ने उस दो कंपनी जो कंपनी है उसको जो है इसके लिए जुर्माना लगाया है और सजा दी है और कहा यह गया कि हालांकि सीधे सीधे सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया गया है, वो उन्होंने पैसे लिया नहीं, लेकिन ये कहा गया कि कांग्रेस को पैसे दिए गए. पेज नंबर 193 पेज नंबर 204 में चार बार सोनिया गांधी के नाम का जिक्र है, उसमें एमके नारायण का भी जिक्र है. देखिए तो इस मुद्दे पे बैकफुट पे है क्या? नहीं नहीं, हम कोई बैकफुट पे नहीं है. आपको अभी तक जो जवाब बता रहे तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि सोनिया गांधी का उनमें नाम आ गया है, ऐसा हो गया वैसा ऐसा कोई भी चीज. अभी तक तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगस्ता में जो विडंबना सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है वो विडंबना एक्चुअल में ऐसा है कुछ भी नहीं. जहां तक चर्चा के सवाल है, हम चर्चा किसी भी विषय पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें.
किसी भी चीज के लिए, लेकिन आज का जो लोकतंत्र की हत्या हो रही ये ज्यादा है, ये डिक्टेटर नहीं है, ये कोई हिटलर शाही नहीं चलेगी इस देश में, आपको इस पे भी चर्चा करनी पड़ेगी। और जिस तरीके से लोकतंत्र की सरकार आप तोड़ना चाहते हैं वो नहीं, इस देश की जनता समझ रही है कि आप एक बहुत बड़ा हवाबाजी करके इस देश में अपनी सरकार बना के और आज के डेट में कोई भी वादा पूरा नहीं करना, सिर्फ एक धोखा है कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात से आप ही तो हत्या कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या ये पता है उत्तराखंड में लोकतंत्र की हत्या किस तरह से हो रही थी, जहां जनप्रतिनिधियों को संसद विधानसभा से बाहर निकलने में अपनी जान का खतरा लग रहा था, जहां पे पुलिस उनको जो है सपोर्ट नहीं कर रही थी, जहां गवर्नर के इंटरफेरेंस के बाद डीजी ने जहां पे उनको सीधे वहां से एयरपोर्ट भेजना पड़ा आपको गवर्नर हाउस से, और जहां से उन्हें दिल्ली लेके आना पड़ा, क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र के साथ मिलकर आठ विधायक छोड़ के उनको खा लेंगे? पुष्पेंद्र जी, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। आज कई सारे मुद्दे उठे, उसमें एनआईटी का भी मुद्दा आ गया, उसमें जेएनयू को लेकर के भी सवाल आज उठे, और उत्तराखंड का मुद्दा लगातार बनाई हुआ है। इन सबके बीच में बीजेपी को आज एक बड़ा हथियार मिला है अगस्ता वेस्टलैंड का, जिसमें कि इटली की कोर्ट ने जो है दोषी करार दिया है घूस देने के आरोप में, और उसमें नाम आ रहा है सोनिया गांधी जी का। कैसे देख रहे हैं इस पूरा अभी इस सत्र से क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप? देखिए, दो चीज साफ है, अगर कांग्रेस और बीजेपी ने तय कर लिया है कि इस देश की संसद जो है वो उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेगी, उनके राजनीतिक एजेंडों को पूरा करेगी, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। सवाल ये है कि अगर आपको जेएनयू पे चर्चा करनी है, एनआईटी पे करनी है, उत्तराखंड पे करनी है, तो चर्चा होनी चाहिए, और वेस्ट अगस्ता डील पे भी होनी चाहिए। सोनिया गांधी का नाम आया है नहीं आया है, कांग्रेसियों का नाम आया है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन एक इशू को दबाने के लिए दूसरा इशू अगर आप खड़ा करेंगे तो मुझे लगता है कि देश की दो राष्ट्रीय पार्टी देश के साथ न सिर्फ धोखा कर रही है, गद्दारी कर रही है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उत्तराखंड के अंदर जो कुछ भी हुआ है, आज की डेट में उत्तराखंड का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और हाई कोर्ट में भी चल रहा है, और जो लगातार रनिंग कमेंट्री आ रही है, जिसके बारे में कल भी कहा और आज भी कहा, ये लगातार जो रनिंग कमेंट्री कोर्ट कर रही है ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है, और इससे ये साफ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी से उत्तराखंड में चाहे अनचाहे जल्दबाजी में कुछ गलतफहमी में या कुछ महत्वाकांक्षाओं के चलते, चाहे निजी लोगों की हो चाहे केंद्र की हो, इसके चलते एक संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है। कोर्ट ने अभी तक कोई टिप्पणी करी ना तो हरीश रावत के ऊपर की है, ना वहां के स्पीकर के ऊपर की है, और स्पीकर ने जिन 9 लोगों को बागी करके नस कर दिया है उनको भी अभी तक उनके ऊपर फैसला नहीं किया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक लीगल मामला है, आज भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस नहीं खड़ी है, कांग्रेस के आरोपों का जवाब नहीं देना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की रनिंग कमेंट्री का जवाब देना है। ये एक वैसा संकट है जिसमें अब अगस्ता डील के ऊपर लाके कांग्रेस को बैकफुट पे कर दीजिए, फिर इशरत को लाके कर दीजिए, इससे यह भी लगता है कि क्या यह सरकार अगस्ता वेस्ट डील, इशरत का मामला, मालेगांव का मामला, समझौता का मामला, इन हथियारों को उत्तराखंड, एनआईटी और जेएनयू को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अगर कांग्रेस पार्टी पापी है और उसने इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है तो उसको एक्सपोज करना चाहिए, लेकिन एक मुद्दे पे दूसरे मुद्दे को उछाल कर की रणनीति, ये दोनों पार्टी देश के साथ धोखा कर रही है। एक चीज और जो आज सफाई दी गई उत्तराखंड के मुद्दे पर और जो बात कही गई अरुण जेटली की तरफ से, जो बयान हमने दिखाया, उस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अरुण जेटली बड़े दानिश्वर आदमी हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, और उन्होंने कैबिनेट में राज्यपाल लगाने की सिफारिश की, सबसे ज्यादा वकालत की है। अब अरुण जेटली जी को चाहिए कि जो अटॉर्नी जनरल उन्होंने नियुक्त किया है मुकुल रोहतगी, और उसके साथ में एक और उन्होंने अपना आदमी खड़ा किया है हरीश साल्वे, ये ज्ञान उन दोनों को दें, संसद में न दें, ये तर्क वहां दें। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को संसद में, संसद के बाहर नहीं, कोर्ट में यह तर्क देना चाहिए। कोर्ट यह मानती है तो फिर बात सही है, कोर्ट नहीं मानती है तो आपका तर्क सुनने में और ताली बजाने के लिए अच्छा हो सकता है। ठीक, उपेंद्र जी, आपकी टिप्पणी, अब जो जिस तरीके से एक के बाद एक नए मुद्दे अब निकल करके आ रहे हैं, अभी काफी सारे बड़े मुद्दे बाकी हैं, अभी सूखे पर चर्चा होनी बाकी है, इस तरह के बहुत सारे राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं, आपको लग रहा है कि इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी या ऐसे ही हंगामा चलता रहेगा? किन बातों पर चर्चा होनी चाहिए और किन बातों पर नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि संसद क्या है और सरकार क्या है। तो सरकार के पास एग्जीक्यूटिव पावर है और संसद है जो
एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाने का हथियार है। तो जो चर्चा होती है उस बात पर चर्चा हो ज्यादा होनी चाहिए जहां की एग्जीक्यूटिव का फेल्योर रहा है। और हमें लगता है कि चर्चा करवाने का जो मुख्य ये है दायित्व है या जो उसका जो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो विपक्ष है, क्योंकि आप सरकार में हैं, आपके पास एग्जीक्यूटिव पावर है, तो आप चर्चा क्यों कर रहे हैं वो जो हेलीकॉप्टर घोटाले पर, आप एक्शन लीजिए जहां भी, क्योंकि एक्शन विपक्ष एक्शन नहीं ले सकता, विपक्ष के पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। तो विपक्ष के पास वही पावर है कि संसद में या विधानसभाओं में उस पर चर्चा करवा करके उसको कटघरे में खड़ा करना, यह विपक्ष का काम है। लेकिन सरकार का काम यह नहीं है कि जिसमें आपको एग्जीक्यूटिव एक्शन लेना है तो उस पर आप चर्चा करवाएं। इसीलिए जो सरकारी पार्टी बीजेपी की तरफ से जितनी भी मांग की जा रही है चर्चा करने की, हमें लगता है वो गैर वाजिब है। जो भी इशू है उस पर एक्शन ले, और एक्शन लेकर क्या दिया, एक्शन टेकन रिपोर्ट जारी करे कि ये सब हुआ था और हमने ये किया। लेकिन आप चर्चा क्यों, सोनिया गांधी इन्वॉल्व है या नहीं इन्वॉल्व है, ये चर्चा का विषय होना ही नहीं चाहिए, जांच का विषय होना चाहिए। और जांच करवाने का अधिकार है केंद्र सरकार को। उसी तरह से और भी जो इश्यूज है जहां कहीं भी है, वो सरकार को एक्शन लेना चाहिए, और एक्शन लेने के बाद इन्फॉर्म करना चाहिए। उस पर क्यों बहस करना, अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो क्या वो बहस का विषय है कि भ्रष्टाचार पर सरकार कार्रवाई करे कि नहीं करे कार्रवाई, क्या ये कोई बहस का विषय है कि उसमें कांग्रेस इन्वॉल्व है या नहीं इन्वॉल्व है? आप ये बहस का विषय हो ही नहीं सकता। ये मेरा मानना है कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, वो जाकर पूछे उनसे, वो उनसे पूछे कि भाई आपका ये है, अगर है तो उसको आप चले जरा जेल में डालिए। इसीलिए हमें लग रहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है ये वो है जो गैर वाजिब है, वो अपनी तरफ से उसको डिसरप्ट नहीं करना चाहिए। जहां उसको एक्शन लेना है एक्शन ले, एक्शन लेने के बाद जो रिपोर्ट देना है दे, लेकिन विपक्ष जो इश्यूज उठा रहा है वह ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए कोई भी संसदीय लोकतंत्र में। आप अनिल जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि वजह क्या है कि आप लोगों के यहाँ बयानबाजी ज्यादा होती है? चाहे हमने NIT का मुद्दा देखा, तमाम लोग बड़ी बड़ी राष्ट्रभक्ति की बातें कर रहे थे, और इतना सब कुछ हुआ वहां, लोगों ने भारत माता की जय बोली, उन बच्चों को एडमिट तक होना पड़ा, और आपकी वहां पर सरकार है, अगस्ता वेस्टलैंड में है, आप जांच कीजिए, जो दोषी है उसको एक्सपोज कीजिए, आप कह रहे हैं इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, ये इशरत का उशरत के मामले को लेकर के। जब आप सरकार में है तो अभी भी ऐसा लगता है कि आप विपक्ष के खुमार से अभी बाहर नहीं निकल पाए, अभी भी आपको लगता है कि आप विपक्ष में हैं? ये भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक पार्टियों में ये एक डिफरेंस है। हम लोग वाकई डेमोक्रेटिक तरीके चलना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि संसद में लोगों को पता चले और लोग सामूहिक रूप से बताएं कि हाँ, पता तो ऐसे भी चल जाएगा लोगों को, आप एक्शन लीजिए। नहीं, एक्शन लेने में क्या होता है कि यदि हम एक्शन ले लेते आज तो कल फिर वापस कांग्रेस, क्योंकि एक दल भक्ति कांग्रेस से पूछ वाली पार्टी है और एक परिवार भक्ति वाली पार्टी है, इस पे इतना ज्यादा जो है देश में हंगामा खड़ा हो जाता है। NIT के मुद्दे पर भी इतना बच्चों को पीटा गया, क्या कुछ नहीं हुआ, उसमें तो कांग्रेस आपका साथ दे रही है, क्या किया, उसमें तो कांग्रेस ने कहा एक्शन लीजिए। नहीं देखिए, वहाँ पर एक्शन लिया गया, वहाँ पर एक एक्शन बता दें, एक एक्शन तो बताइए मुझे, एक एक्शन बताएं देश के सामने क्या लिया आपने, एक एक्शन मुझे बताइए, बिल को सस्पेंड नहीं किया गया, छोड़ दीजिए आप, होम मिनिस्ट्री जिसके पास है, आपका तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सत्ता के लालच में कहता है कि छोटी मोटी जो लाठीचार्ज हुआ है, आप कह रहे हैं एक्शन हुआ है, एक सिपाही को आपने टर्मिनेट नहीं किया, उसको सस्पेंड नहीं किया, आप कह रहे हैं कि एक्शन हुआ है, आप JNU के अंदर आपकी नाक के नीचे हो जाता है, आप पूरे देश में हंगामा खड़ा कर देते हैं कि साहब देखिए राष्ट्रपति नारे लग रहे हैं, आप वहां तो आपका मिनिस्टर जाता नहीं है, यहां पुलिस बाहर खड़ी रहती है, वहां पुलिस कमरे में जाके पीटती है, आप कह रहे हैं एक्शन हुआ है, एक एक्शन बताइए आप। नहीं तो यहाँ पर आपने जो JNU में देखा जहाँ राजीव राहुल गांधी खुद, अरे तो राहुल गांधी को क्यों रहे भाई, राहुल गांधी जाने से आप एक्शन लेंगे क्या? नहीं नहीं, राहुल गांधी से क्या मतलब है आपका? कि यहाँ पर आप देखिए, हमें नहीं देखना, आप सत्ता में है, पार्टी खड़ी है, आप सत्ता में है, हमें देखना नहीं है, एक्शन बताइए जमीन पर क्या है, मतलब ये नहीं है कि आप PDP के सरकार को ये नाराज नहीं कर सकते, आप राहुल गांधी को क्यों ले रहे हो, जाइए अरे भाई, एक्शन क्या लिया गया, एक्शन इन्होंने ये लिया कि जिन लोगों ने भारत माता की जय नारे उनको मैं कहता हूँ राहुल गांधी डी राजा सीताराम येचुरी को मैं सलूट करता हूँ कि वो गलती सही, लेकिन अपने लोगों के पास गए,
आपका तो मंत्री संतरी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन लोगों से जो एनआईटी के लड़के जेएनयू के यहाँ एनआईटी के लड़के जंतर मंतर में बैठे थे आप कहते हैं कि हमने एक्शन लिया है। पार्टी की एक एक्शन बताएं आप क्या कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए भारत के 125 करोड़ लोग अपने हैं। ये सब डायलॉग कहीं और बोलिए अपने हैं। ये डायलॉग कहीं और बोलिए और अन्य राजनीतिक पार्टियों के बीच में करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं लोग आईसीयू में पड़े हुए देखने तक नहीं गए आप कहते पूरा देश एक है देश देखेंगे आप क्या बात कर रहे हैं यार। जो एक्शन लिया वो सिर्फ इतना लिया कि जिन लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए थे उनके खिलाफ FIR हो गई। ये एक्शन ये नहीं मतलब क्या बता रहे हैं पूरे देश को बोल बना रही है इनके जो मुख्यमंत्री हैं इनके जो मुख्यमंत्री हैं माइंड लाठी चालू है मुख्यमंत्री के इनके जो मुख्यमंत्री हैं वो एक भारत माता की जय कर दिया दूसरा जब जय बोल रहा है तो उसको पिटवा रहे हैं डंडे से। ये देखिए वहां पर एक्शन लेने से पहले नहीं अच्छा एक्शन लेने से पहले यूएनओ की परमिशन होगी अमेरिका की परमिशन होगी आप कहां की बात कर रहे हैं। कमर्शियल ब्रेक लेना पड़ रहा है छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं तुरंत लौट रहे हैं ब्रेक के बाद भी चर्चा जाएगा। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं जिस तरीके की स्थिति लगातार संसद के अंदर बनी हुई है आज लगातार दूसरा दिन आपको बता दें कि हंगामे की भेंट जो है संसद की कार्यवाही रही राज्यसभा में आज भी कोई कामकाज नहीं हो पाया लगातार नारेबाजी होती रही तमाम मुद्दे उठाए गए इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत कर रहे हैं। एक और खास मेहमान हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं आनंद रावत जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं नेता कांग्रेस पार्टी के। आनंद जी आपसे जानना चाहेंगे क्या वजह क्या है क्यों कभी कोई मुद्दा कभी कोई मुद्दा कभी किसी मुद्दे को लेकर के संसद नहीं चल पा रही है। आज भी हमने देखा कि तमाम नारेबाजी वेल में लोग पहुंच गए तो अभी मामला जब कोर्ट में चल रहा है तो इतनी जल्दी चर्चा कराने की आवश्यकता है क्या संसद के अंदर। देखिए आपके प्रश्न में आपका जवाब छुपा है जब आप ये बात कहते हैं कि कोर्ट में मामला चल रहा है जब हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में और प्रत्येक पहलू और प्रत्येक बिंदु को छूते हुए इस पे अपना स्पष्ट निर्णय दिया है और ये देश के इतिहास में नजीर है और उसके बाद भी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाती है और सुप्रीम कोर्ट में भी इनको यही फटकार मिलती है कि 27 तारीख तक केंद्र सरकार उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने की हिमाकत ना करे। तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो तेवर है वो बहुत स्पष्ट है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार दोनों बैकफुट पे इस मसले पे लेकर के तो और ये देश के सामने एक गंभीर मसला है क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर आए थे तो देश को बहुत उम्मीदें थी इस उम्मीद के साथ इस देश के युवाओं ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया कि कुछ अच्छा और बेहतर होगा और उन्होंने भी केवल बातों में कोऑपरेटिव फेडरल सिस्टम की बात कही योजना आयोग को नीति आयोग का नाम दिया लेकिन पूरा अभी तक जो उनकी करनी है वो कथनी के मुकाबले में बिल्कुल सिफर है उसका नतीजा। और जिस तरीके से देश में कोऑपरेटिव फेडरल सिस्टम को एक बहुत बड़ा चुनौती है पहले वो अरुणाचल प्रदेश में हुआ उत्तराखंड में भी उन्होंने इसी तरीके का कृत्य करने का प्रयास किया और इससे जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं चाहे वो बीजू जनता दल हो चाहे वो TMC हो या जम्मू कश्मीर की PDP ही क्यों ना हो या शिवसेना हो तमाम ये राजनीतिक दल भी धारा 356 के दुरुपयोग के हमेशा खिलाफ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सत्रों से GST की बात करती है और अगर वो सही में ही GST के प्रति उसकी प्रतिबद्धता कुछ है क्योंकि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी तब भी वो GST का विरोध करती थी लेकिन आज सत्ता में आने के बाद GST को वो अपना बहुत ही प्रिय विषय के तौर पर जो है देश के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अगर सही में ही GST के प्रति भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता होती तो वो उसी
तरह का अनुकूल माहौल बनाने का प्रयास करती, सभी राजनीतिक दलों को साथ लेने का प्रयास करती। लेकिन धारा 356 के मुद्दे पे मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी दल सपोर्ट करना चाहेगा। अभी की जो स्थिति है, आज जो मामले, एक मामले पर तो आप चर्चा चाह रहे हैं और एक मामले पे थोड़ी बैकफुट पे दिखाई दे रही है कांग्रेस, वो है अगस्ता वेस्टलैंड डील को लेकर के, जो इटली की कोर्ट का फैसला आया है और उसमें कहा यह गया कि 193 नंबर पेज पर और 204 नंबर पेज पर चार बार सोनिया गांधी के नाम का जिक्र है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं लिखा है कि उनको ही ये पैसे दिए गए, लेकिन आपको लगता है कि ये एक ऐसा मसला होगा जिस पे बैकफुट पर रहेगी कांग्रेस? देखिए, इस समय देश के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इस सत्र में धारा 356 और सूखे पे चर्चा करने के संदर्भ में सभी राजनीतिक दलों ने जो है बहुत उत्सुकता के साथ इस सत्र को लिया था और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को डिफेंड करने के लिए इस तरीके का जो है मसले उस पर लाने का प्रयास कर रही है। लेकिन ठीक है, वो भी एक मसला हो सकता है, उस पर भी बातचीत हो सकती है। लेकिन पहले धारा 356 को हटाने के संदर्भ में और किन किन परिस्थितियों में लगे, और अगर केंद्र सरकार इसी तरीके से मनमानी करती रहेगी तो कहीं ना कहीं एक संवैधानिक संकट भी देश के सामने रहेगा। जो कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो एक स्पष्ट भूमिका रहती थी, तो आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका कार्यपालिका को निर्देशित कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र के लिए भी एक चुनौती है। और जब इस तरीके की सरकारें इस तरीके की मानसिकता से काम करती हैं, तो फिर न्यायपालिका को अपना कर्तव्य तो निभाना ही पड़ता है। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा जो मैंने पहले आपसे पूछा, इसका कोई हल के बारे में आपकी सरकार सोचती है, बात करने की कोशिश? अब एक औपचारिकता तो होती है सर्वदलीय बैठक की, लेकिन हर सत्र में हम आकर के यही घटनाचक्र में चर्चा करते हैं कि संसद नहीं चल पा रही है इन इन मुद्दों की वजह से, मुद्दे बदलते रहे हैं, लेकिन कोशिश ऐसी लगती नहीं है सरकार की तरफ से कि उन मुद्दों को सॉर्ट आउट किया जाए? देखिए, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि लोकतंत्र की हत्या की जो बात कही जा रही है, यहां पर यह देखा जाना चाहिए कि कांग्रेस के टाइम पे, इंदिरा गांधी के शासनकाल में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, ठीक है, इमरजेंसी में क्या हालात थे, क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? विपुल जी, 51 बार इंदिरा गांधी ने, विपुल जी, 51 बार मानवीय व्यवहारिक स्वभाव होता है कि दो गलत बातें एक सही चीज को नहीं करती, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजी की बात कह रहा हूँ, जिस पार्टी की सरकारों ने इसका भरपूर दुरुपयोग कर रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सीएम लाइव जो है टीवी पे करप्शन दिखाया गया है। अनिल जी, उसको हाईकोर्ट की डिसीजन जी, आप बंडारू लक्ष्मण जी वो पैसा लेते हुए पकड़े गए थे, आपकी जानकारी में होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की भी कितनी सीडियां मार्केट में रही और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद पूरे देश के सामने कहा कि आप राजधर्म निभाइए। तो ये सब बातें होती है, लेकिन अगर इन्हीं तथ्यों के आधार पर अगर सरकारें बर्खास्त होने लग गई, तो आप ये लगाइए कि मध्य प्रदेश में भी जो है सरकार, मुझे लगता नहीं कि 5 मिनट भी टिक पाएगी। नहीं तो और वसुंधरा राजे जी पे भी बहुत गंभीर आरोप लगे, लेकिन आरोप के आधार पर आप धारा 356 का जो है दुरुपयोग करेंगे, और यहां पर भी ये सीडी का केवल आरोप है, अगर कुछ इसमें तथ्य होता तो हाईकोर्ट उसका संज्ञान लेता। आपके कार्यकर्ता विधानसभा के बाहर 35 MLA को निकलने नहीं देते हैं, उनकी जान को खतरा हो जाती है, खत्म हो चुकी है, पुलिस को ये कहा जाता है कि आप इंटरवीन मत कीजिए जब तक गवर्नर ने नहीं कहा, तब तक अच्छे से जवाब पुलिस ने इंटरवीन नहीं किया, ऐसे केस बोल रहा है, आपको नहीं लगता है कि यदि जनप्रतिनिधियों की जान सुरक्षित नहीं है तो उस राज्य में, उस राज्य में जनप्रतिनिधि जो भगवा आतंकवाद का नाम दिया गया था और हार्दिक पटेल को हिंदू आतंकवादी थी, आप लोग बहस को जिससे संविधान के खिलाफ शपथ ली थी कि मैं संविधान का पालन करूंगा, अपने दायित्व का पालन करूंगा, मैं देश की सेवा करूंगा, वो अटल देख रही है। भाई आपकी बात मान नहीं, कुछ दूसरों को भी सुन, दूसरों को भी सुन अनिल जी। भाई आप उत्तराखंड से
भगवा आतंकवाद ले जाना चाहते हैं ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कैसे मैं चिल्ला के कहूं कि आप सत्ता में हैं, जिन्होंने भी इस देश के साथ गद्दारी की है, इस देश के सुरक्षा के तंत्र के साथ छेड़छाड़ की है, इस देश को खतरे में डाला है, आप FIR करके जेल डालिए चिदंबरम को। आप ये गाइए मत के भगवा आतंकवाद का नाम दिया नहीं दिया, गलत दिया, इशरत का एफिडेविट बदला, देखिए अगस्ता वेस्टलैंड में इन्होंने ये किया, भाई सब कुछ किया, आप सत्ता में हैं, FIR कीजिए, बंद कीजिए। आप ये मत कहिए कि देखिए हम बंद कर देंगे तो ये कहेंगे चर्चा नहीं हुई, तो आप कांग्रेस पार्टी से चर्चा करके सारे काम कर रहे हैं क्या? सवाल ये नहीं है कि बार बार आप एक बात रट लगाते हैं, इमरजेंसी अगर भाई इमरजेंसी इन्होंने लगाई थी तो उसके खामियाजे में ही तो ये सत्ता से बाहर तब हुए थे, और जो कुछ इन्होंने किया उसको जनता ने नहीं चाहा, इसलिए 44 पे पहुंच गए। आप बार बार ये कहते हैं कि इन्होंने ये किया था, तो इसका मतलब है कि जो हत्या इन्होंने की थी वो हत्या आप भी करेंगे। तो आपको हम सत्ता में इसलिए लाए हैं कि हम आपका ये तर्क सुने कि बार बार हम सुने इमरजेंसी लगाई थी, लोकतंत्र की हत्या की थी, समझ नहीं पा रहा आपका तर्क क्या है भाई। आप तर्क दीजिए, जवाब खुद दे दिया है कि हम हत्या नहीं कर रहे हैं, हम वास्तुस्थिति का अगर हम संज्ञान लें तो हाई कोर्ट में ये मामला केंद्र सरकार के ठीक उल्टा पड़ा है, और अब सुप्रीम कोर्ट सरकार इस मामले को लेकर के गई है। लेकिन वास्तविकता तो ये भी है कि केंद्र सरकार को धारा 356 लोकसभा और राज्यसभा में भी पारित कराना पड़ेगा। अगर एक बारगी के लिए मान लेते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को राहत मिलती है तो फिर आपके पास राज्यसभा में भी तो नंबर नहीं है, और जो आपके ही सहयोगी दल हैं, चाहे शिवसेना हो या बीजू जनता दल हो, अकाली दल, ये भी जो है धारा 356 के दुरुपयोग के खिलाफ आपके साथ खड़े हैं। तो आप किस धरातल पे खड़े हैं, आप क्या तर्क दे रहे हैं ये तो बताइए। ये सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। मेरे को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को अपनी हठ धर्मिता छोड़ करके ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि गलती हुई है, नहीं तो एक गलती को छुपाने के लिए इनको 100 गलतियां करनी पड़ेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने ये किया है उनको निकाला जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी के बारे में आप कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस बात साफ हो चुका है कि इसके अंदर एक खास किस्म का वर्ग शामिल था जिन्होंने ये हालत पैदा किए। इसमें नरेंद्र मोदी ने या अमित शाह ने आई है नहीं जानता, लेकिन इतनी बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी को ये जिम्मेदारी लेनी होगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोगों का जवाब न दे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोर्ट में जवाब दे। कांग्रेस के MLAs MPs इनका राहुल गांधी के नेतृत्व से विश्वास उठ चुका है। ये कोर्ट में बताइए ना, आप कोर्ट में कहेंगे ये बात कि है ना कि आप कोर्ट में ये बात कहेंगे इसीलिए आप भारतीय जनता पार्टी से संपर्क कोई तर्क नहीं दे रहे हैं। आप शुद्ध ऐसा लग रहा है कि कहीं पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आप भाषण दे रहे हैं। कांग्रेस के MP भी MLA भी ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी देशद्रोहियों के साथ खड़े हैं, तो और वो जनता को जवाब देशद्रोही मना रहे हैं। आपने तो देशभक्तों को पिटवाया है, भक्तों को पिटवा रहे हैं, आपने तो देशभक्तों की कमर तोड़ दी है, इसी को पिटवा रहे हैं, कहीं खड़े ही नहीं है। अरे राहुल गांधी कहीं खड़े हैं, आप कहीं खड़े बता दें, आप तो देशभक्तों को ICU में पहुंचा रहे हैं, छात्र अब NIT में लौट रहे हैं, जबकि वास्तविकता तो यह होनी चाहिए कि जो लोग दोषी थे NIT में, जो मासूम छात्र वहां पर जो कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट देंगे कि कौन देशभक्त है। JNU में क्यों नहीं कहा कि एक्शन लेना चाहिए? आप इनसे पूछ के एक्शन लेंगे? आप बीजेपी कांग्रेस से पूछ के सरकार चला रहे हैं क्या? कोई हल है इस बात का कि संसद सत्र चल सके? और क्या कर रहे हैं? दिखाई दे रहा है संसद का सत्र तो चलाना पड़ेगा, क्योंकि मान लिया कि एक इमेजिनरी सिचुएशन मान लीजिए कि 13 मई तक मामला सब जुडिस ही रहता है, लेकिन 13 मई तक इसको जो प्रोक्लेमेशन है राष्ट्रपति शासन का
उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। भले वो सुप्रीम कोर्ट चलता रहे, उसमें मामला चलता रहे, ये तो आप राज्यसभा से या लोकसभा से बच ही नहीं सकते। वो तो अगर ये मांग नहीं भी करे विपक्ष, उस पर चर्चा करना उसका कंपल्सन है। अगर चर्चा नहीं करे, उसको पेश नहीं करे, उसको पारित नहीं करवाए और 13 मई का दिन खत्म हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया, क्या नहीं फैसला किया, वो अपनी जगह ये नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही कर दिया था और 13 मई को लैप्स हो जाएगा प्रोक्लेमेशन, तो हरीश रावत की सरकार अपने आप रिस्टोर हो जाएगी। ये सिर्फ यही मामला नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ तय करेगा, तो इसका अल्टीमेटली तय होना है राज्यसभा के द्वारा और लोकसभा के द्वारा। अगर ये तो उसमें एक खतरा ये है कि ये कहीं राष्ट्रपति शासन खत्म करके कोई और सरकार न बना दें, लेकिन फिर उसको विधानसभा से ये करना पड़ेगा। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए रखे कि जब तक हमारे यहाँ चल रहा है तब तक हटा नहीं सकते, तो फिर उनको पास करवाना पड़ेगा। इसीलिए हमें लगता है कि सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, वो ज्यादा डिले कर सकती है, लेकिन राज्यसभा में और लोकसभा में चर्चा करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, ये कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। विपुल, जो उपेंद्र भाई कह रहे हैं उससे एक आगे ये है कि इसी सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच का फैसला है कि विधानसभा का अंतिम फैसला फ्लोर टेस्ट वहीं होगा, किसी होटल में नहीं होगा, किसी राजभवन में नहीं होगा, तो फ्लोर टेस्ट को तो कराना ही पड़ेगा, चाहे देर से कराए चाहे बाहर से कराए। बोमई का मामला है, ये जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन बोमई के बाद हमें लगता है कि कांग्रेस ने इस तरह की गलती की है जो गलती भारतीय जनता पार्टी ने की। ठीक, बोमई का जो मामला आया है उसके बाद वो वाटरशेड जजमेंट है, उस जजमेंट के बाद कभी भी गवर्नर ने अपने दिमाग से या केंद्र सरकार ने अपने दिमाग से विधायकों की गिनती नहीं की। ये पहला मामला है कि उस जजमेंट के खिलाफ जा करके कि इसके पास बहुमत नहीं है इसलिए राष्ट्रीय शासन लागू कर दो, ये पहली घटना है। कांग्रेस ने भी कुछ ऐसा किया। इस विषय के लिए अब समय समाप्त हो गया है, समय बहुत कम बचा है, दूसरे विषय के लिए भी जाना है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भारत पाकिस्तान के विदेश सचिवों की मुलाकात हुई है, क्या इस मुलाकात के मायने और क्या वाकई में बातचीत का कोई हल, कोई फायदा है, इस पर चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद। घटनाचक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे आज के दूसरे मुद्दे की। आपको बता दें कि आज पाकिस्तान और भारत के विदेश सचिवों की मुलाकात हुई, पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया, पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया कि कश्मीर की समस्या के हल के बिना दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो नहीं सुधर सकते हैं और इसका हल यूएन का जो प्रस्ताव है उसके आधार पर होना चाहिए। ये भी कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि कश्मीरियों, कश्मीरी जो चाहते हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए इस पूरे प्रोसेस में। भारत की तरफ से आपको बता दें कि एक बार फिर से आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया और फिर से एक बार मुंबई हमले और पठानकोट हमले की जांच में तेजी लाने की बातें कही गई। लेकिन जरा कुछ एक बयान सुनाते हैं, विकास स्वरूप ने क्या कुछ कहा वो जरा सुनिए। इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी एम्फसाइज्ड द नीड फॉर अर्ली एंड विजिबल प्रोग्रेस ऑन द पठानकोट टेररिस्ट अटैक इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज द मुंबई केस ट्रायल इन पाकिस्तान। ही ऑल्सो ब्रॉट अप the listing of Jaish e Mohammed leader Masood Azhar in the UN 1267 Sanctions Committee. Foreign Secretary Jaishankar clearly conveyed that Pakistan cannot be in denial on the impact of terrorism on the bilateral relationship. Terrorist groups based in Pakistan targeting India must not be allowed to operate with impunity. We pressed for immediate consular access to Kulbhushan Jadhav, the former naval officer abducted and taken to Pakistan. कांग्रेस की तरफ से भी टिप्पणी आई है, वो भी सुन लीजिए। बीजेपी जब इलेक्शन लड़ रही थी पार्लियामेंट, ये तो हमसे वादा किया था और मोदी साहब ने खुद वादा किया था कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो तो बड़ी कमजोर है, वो बात नहीं कर पाती है पाकिस्तान के सामने और बीजेपी को वोट दे दो और हम उनके सामने आंख उठा के बात करेंगे, आंख झुका के बात नहीं करेंगे, चीन के सामने लाल आंख करके बात करेंगे। लेकिन आज लाल आंख क्या, अब सफेद आंख भी बोल नहीं, अब आंखें उनकी झुकी रहती हैं,
चीन के सामने भी और पाकिस्तान के सामने भी। प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान गए नवाज शरीफ के जन्मदिन पर, उनके पोते या नवासे की शादी पर, और एक हफ्ते ही में ही पाकिस्तान वालों ने हमको क्या दिया, पठानकोट पे हमला, पठानकोट के एयरबेस पे हमला। और उसके बाद हम चाहते सोचते थे कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के प्रति उनका जो रवैया है बदलेगा, सख्त रवैया होगा। समय बहुत कम है, बहुत छोटी छोटी टिप्पणी हम चाहेंगे हमारे जितने मेहमान हैं उनकी तरफ से रहे। सबसे पहले पुष्पेंद्र जी आपकी तरफ से ये टिप्पणी, विदेश सचिव स्तर की वार्ता काफी लंबे समय बाद हो रही है, आज इस मुलाकात के कोई मायने हैं भी या नहीं है, क्योंकि जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है ऐसा लग नहीं रहा है कि इस मुलाकात से कुछ भी बदलने वाली स्थिति लग रही हो। देखिए ये मुलाकात जो थी ये बाइलेटरल जो हुई है, आपको याद होगा कि दिल्ली के अंदर इस समय हार्ट ऑफ एशिया का एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, 14 देश का मामला है, और उसमें अफगानिस्तान के अंदर कैसे शांति लाई जाए उसमें जितने भी स्टेक होल्डर हो सकते हैं उनकी मीटिंग चल रही है। ये फॉरेन सेक्रेटरी साहब उसी में यहाँ आए थे और साइड लाइन पे ये तय हुआ कि एक बार बातचीत भी हम कर लेते हैं। उन्होंने अपना एजेंडा बता दिया और हमने अपना एजेंडा बता दिया, और मैं समझता हूँ 65 साल में कई सारे एजेंडे एक दूसरे को हम लोग बताते रहे हैं। वो कश्मीर को 1948 से मैडक सेक्टर में जब तक उन्होंने घुसपैठ की थी उससे लेके आज तक वो उसे घुसपैठ नहीं मानते, बल्कि ये कहते हैं कि वहां आजादी की लड़ाई है। और पाकिस्तान खुलेआम बगैर किसी हिचक के ये कहता है कि कश्मीर में आजादी की लड़ाई में उसका मॉरल सपोर्ट लगातार रहेगा। उस मॉरल सपोर्ट के तहत कश्मीर के अंदर बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं जो पाकिस्तान के पेड एजेंट हैं। लेकिन सवाल मेरा यह है कि पीडीपी और बीजेपी की सरकार जब बनी थी तो मेरा एक सूबे की सरकार के अंदर एक 27 एमएलए जीतने वाली पार्टी ने शर्त रखी कि आपको पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, और उस वक्त कहा जब नरेंद्र मोदी की सख्त सरकार ने हुर्रियत से बात करने के सिलसिले में बातचीत को तोड़ दिया था। तो आपने बात की, बात खत्म हुई, फिर गुरदासपुर हुआ, फिर पठानकोट हो गया, इस बीच में उधमपुर हो गया, फिर आप वहां चले गए, फिर एनएसए से भी आपने बात कर ली, फिर सुषमा स्वराज चली गई, अब आपको जाना है, आज मुलाकात हुई है। सवाल यह है कि जो बात वो कह रहा है उसके अलावा आपके पास कहने के लिए क्या है? आपने जेआईटी को बुलाया, उसने मने कर दिया कि हम एनआईए को नहीं बुलाएंगे। भाई हमने कहीं तय नहीं किया था, कहीं हमने लिखित में नहीं दिया था। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि भारत की स्थिति वो हो गई है कि भारत ही जूते खाए, भारत के ही लोग मरे, और भारत की सरकार उनके फॉरेन सेक्रेटरी अगर आ जाए बातचीत कर ले तो बड़ी बात उपलब्धि बताई जा रही है। इस उपलब्धि से मैं पूछना चाहता हूं 2005 उन 26/11 और उसके बाद में आप जितने भी हमारे यहां हमले हुए हैं उनमें से मरे हुए लोगों को कोई आप शरादे अकीदत पेश कर रहे हैं? आप ये बता रहे हैं कि जितने लोग मरे, और आज पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस का मामला उठाया है जिस मामले में आपके देश में राजनीति हो रही है कि उसमें हिंदू टेरर था, कि उसमें मुस्लिम टेरर था, कि उसमें भारत के लोग शामिल थे, उसमें पाकिस्तान के लोग शामिल थे। मैं ये कह रहा हूं कि भारत में घटने वाली हर घटना, चाहे वो जेएनयू में हो, जादवपुर के अंदर हो, पाकिस्तान इसको देख रहा है, उनके फॉरेन सेक्रेटरी उसी अंदाज में बात कर रहे हैं, और आपका देश आतंकवाद के ऊपर लड़खड़ा रहा है पूरी तरह से। उपेंद्र जी आपसे बहुत छोटी टिप्पणी इसी मसले पर कि क्या वाकई में क्यों हम अपनी फजीहत करवा रहे हैं इस तरह से, जो कूटनीति हमारी डिप्लोमेसी फेल होती हुई दिखाई दे रही है। चाइना के मामले में हम वीजा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं कुछ पता नहीं, एक गीत और भक्ति में आपने वीजा वापस कर दिया, मतलब दिया क्यों था आपने वीजा? इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन जो हो रखी है, क्या फेल्योर मान रहे हैं इसे विदेश के हर नागरिक के अंदर एक डिमोरलाइजेशन हो गया है। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ये डिप्लोमेसी उसी स्टाइल में कर रहे हैं जिस स्टाइल में ये इंटरनल पॉलिटिक्स कर रहे थे, जिस स्टाइल में पॉलिटिक्स करके ये प्रधानमंत्री बने हैं बिल्कुल वही स्टाइल अपना रहे हैं। अब है कि वहाँ पाकिस्तान जाएंगे, उनके जो प्रधानमंत्री है उनकी माँ के पैर छुएंगे, तो ये सबसे नहीं डिप्लोमेसी चलती है। उसके कारण कि हमारी जो पूरी डिप्लोमेसी के अपने लॉजिक होते हैं, ये आपको इंटरनल चुनाव जीतने के लिए न्यूज क्रिएट करके आप चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन न्यूज क्रिएट करके आप डिप्लोमेसी में सफल नहीं हो सकते हैं। उसके कारण कि जो डिप्लोमेसी है का जो डायरेक्शन है वो समझिए कि वो उलट गया है, मतलब डायरेक्शन लेस, दिशाहीन हो गया। इसको पता ही नहीं है कि किस दिशा में अमेरिका के साथ हम क्या बात कर रहे हैं, चीन के साथ बात क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बात क्या कर रहे हैं। तो इनका जो सब कुछ उल्टा पड़ रहा है, और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ये बार बार एक प्रधानमंत्री का, भारत जैसे प्रधानमंत्री का जहाँ की इंटरनल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा है, ठीक, बार बार विदेशों में जाना, ये भी हमें नहीं लगता है कि लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री बार बार विदेश में जाते हैं, वहां जाकर के न्यूज क्रिएट करते हैं और उस न्यूज को पूरे देश भर में दिखाया जाता है। तो ये अति सर्वत्र वर्जित है। अब इनको उतना ज्यादा नहीं करना चाहिए, देश पर ज्यादा ध्यान दें। जब आप
इंटरनली बहुत स्ट्रांग रहेंगे तभी आपकी डिप्लोमेसी भी सफल होगी। संजीव जी बहुत ऐसे करना चाहते। सबसे पहले तो ये सरकार की जो डिप्लोमेसी का जो रीत और रिवाज से जिस तरीके से कर रही है एक 100% फेलियर है। प्रधानमंत्री हमारे पाकिस्तान जाते हैं, विदेश मंत्री को ज्ञात नहीं होता है कि वो पाकिस्तान गए, बिना देश को बताए हुए उस देश के पास ये जाते हैं और सारा का सारा अपना जो देश की छवि है उसको एक कौन सी दिशा में ये ले जाना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रही। इतना उधेड़ बुन की सरकार आजादी के बाद ये पहली बार नजर आ रही थी। जनता पार्टी की भी सरकार थी लेकिन इस स्थिति में नहीं थी, लेकिन आज के डेट में इतने ये यात्रा कर चुके हैं, इतने ज्यादा यात्रा, और जहां से भी देखो वहां से निगेटिविटी क्रिएट होकर आ रही है। बंद होनी चाहिए ये कहना चाहते हैं, बातचीत बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ये सरकार की जिम्मेवारी है। अभी तक जो भी चीजें इन्होंने स्टार्ट की वो 100% फ्लॉप रही है। ठीक है, बीजेपी की गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी इनकी कोलैप्स हो गई है, इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं नजर आ रहा है, सिर्फ एक ही चीज कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। ये दुबई में जाके और यूएई, एक सेकंड, मैं दुबई और यूएई में जाके विपक्ष पे कटाक्ष करते हैं। हम देश में क्या कर रहे हैं विपक्ष में बोलने की क्या जरूरत है आपको, हम यहाँ पार्लियामेंट में लड़ेंगे तो हम जाके यूएई में बोलेंगे और अमेरिका में बोलेंगे जाके कि हमारे विपक्ष ऐसे करते हैं। इसी का एग्जांपल है कि आप बात सही कर रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सलमान हुसैन और मनीष कर रही है किस पार्टी के लोग थे जो पाकिस्तान जाकर के नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए मदद मांग रहे थे। सलमान खुर्शीद और मणि शंकर अय्यर भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो बात अलग है, लेकिन देश का विधायक हो सकती है, पार्टी की राय नहीं हो सकती है। पाकिस्तान में आईएसआई पार्टी की राय नहीं हो सकती है। अच्छा, यूएन में जाके पुर्तगाल का भाषण बोल दीजिए आप, वो भारत की सफल कूटनीति है, वो भारत की सफल कूटनीति है। और जहां तक भारतीय प्रधानमंत्री, मेरा सवाल का सीधा जवाब दीजिए, क्या भारत की भारत कूटनीतिक स्तर पर रणनीतिक स्तर पर फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है? चीन के साथ जो हुआ, चीन मसूद अजहर के नाम पर जो है यूएन के अंदर वीटो का इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ, और एक बार वो डांटता है तो हम वीजा जो है जो हमने दे रखा था उसको रद्द, पहले हमने वीजा दिया क्यों, और वीजा दिया तो उसको रद्द क्यों किया? देखिए, जहां तक कूटनीति का सवाल है, आप ये देखिए, इस बार पाकिस्तान ने एक्सट्रीमिटीज से, आतंकवादियों से बात करने की शर्त नहीं रखी, ठीक है, अदरवाइज कांग्रेस के टाइम पे भी, और कांग्रेस उसको मानती थी, शर्त नहीं रखी आतंकवाद इनका मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ, ये हुर्रियत से बात करने की, मतलब हम ये लहजा में समझ नहीं पाएंगे। हमने 22 महीने में औरंगजेब रोड का 1 किलोमीटर नाम बदला है और हुर्रियत से बात नहीं करी, ये हमारा अचीवमेंट है, आप ये कहना चाहते हैं? यही बोलना चाहते हैं, बीजेपी की मानसिक लेवल का और जो विदेश नीति है आज भारत के विरोध के बावजूद, भारत के विरोध के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर भेजता है, सब कुछ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। अच्छा, आप क्या, अच्छा देखिए, हम जाहिर ला रहे हैं, अभी लगा उसने घूम घूम के इलेक्शन में राज्य में सरकार बन सकती थी, सरकार को हमारी सरकार नहीं होगी तो वहां डेमोक्रेसी को खत्म करेंगे, युद्ध क्षेत्र और विदेश नीतियों में युद्ध रुक हो जाएंगे, यही इनकी डेमोक्रेसी है, यही इनका सही बात भी लेके आना, इनके पास कोई ये भारत नहीं है, भारत की सफलता नहीं है, ये देश को किस किस गर्त में ले जा रहे हैं, इनको आने वाला भविष्य जवाब देना पड़ेगा, जो काम डिप्लोमेट के करने का है वो करने नहीं दिया जा रहा है, राजनीतिक लोग अपने नफे नुकसान से भारत और पाकिस्तान और भारत और चाइना की बात नहीं कर रहे। आनंद राव जी, आखिरी टिप्पणी आपकी, समय बहुत कम बचा हुआ है। इन पौने दो वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार अपनी कूटनीति और विदेश नीति की क्या दिशा होगी, यही अभी तक तय नहीं कर पाए। जो उपेंद्र जी ने जो बात कही कि देश में इन्होंने भावनाओं के अंबार पर अपनी पूर्ण बहुमत वाली सरकार तो बना दी, लेकिन भावनाओं के आधार पर आप विदेश नीति नहीं चला सकते। आप देश के लोगों को नवाज शरीफ जी की माता जी के पैर छू करके एक भावनात्मक तौर पर तो आप लगाव कर सकते हो, लेकिन विश्व के जो देश हैं उनका इनसे कोई मतलब नहीं होता कि नरेंद्र मोदी जी संस्कारी हैं तो नवाज शरीफ जी की माता जी के पैर छू रहे हैं। विदेश नीति तो दबाव और अपनी बात आप किस तरीके से रखते हैं तमाम इन मुद्दों पर ही चलती है। पैर छूने से पठान को नहीं रुका, मैं एक लाख जाफर है, ये पर
यहाँ पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी 2020 में अंदाज में खुद ही खेलते हुए दिख रहे हैं, विदेश सचिव विदेश मंत्रालय को विश्वास वो विदेश नीति आगे बढ़ाने बात कर रहे हैं, तो उस चीजें नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, समय थोड़ा कम मिला, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका, पुष्पेंद्र जी आपका, उपेंद्र जी आपका, आनंद जी आपका, संजीव जी आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। घटना चक्र को यही समेटते हैं, आप देखते रहिए जय एनटीवी, नमस्कार।